हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के चैप्टर मापन मीन्स मेजरमेंट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को इसके पहले की वीडियोस में देख चुके हैं पार्ट वन पार्ट टू में। तो यदि आपने किसी कारण से पार्ट वन पार्ट टू वीडियो नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ से इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आप समझ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बालू के एक कण की त्रिज्या 1.6 × 10⁻⁴ मीटर है। इस कण की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम में होगी, यानी 1.6 × 10⁻⁴ मीटर को एंगस्ट्रॉम में बदलना है। ठीक है, तो 1.6 × 10⁻⁴ क्या लिखा है, -4। कितना लिखा हुआ है, -4, और ये क्या है, मीटर में। हर संख्या के गुणे में एक होता है, तो यहाँ पर गुणे 1 मीटर लिख लीजिए। जब भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो ऐसे 1 मीटर लिख लीजिए। और 1 मीटर को किस में बदलना है, मात्रा को किस में बदलना है, एंगस्ट्रॉम में। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रॉम में बदल देंगे। तो 1.6 आपका इसी तरीके से आ जाएगा, 10⁻⁴ भी इसी तरीके से आ जाएगा, और 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁰ एंगस्ट्रॉम। कितना होता है, 10⁻⁰। अब घातांक में आपने पढ़ा 10⁻⁴ गुणे 10⁻⁰ बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 तो ऐसे ही आ जाएगा। और घातांक में आपने पढ़ा 10⁻⁷ × 10⁻⁴ = 10⁻⁷ तो 10 और 4 आपका 10 प्लस में 4 माइनस में, तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁶ घटाने पर 6 आ जाएगा, और बड़े का चिन्ह प्लस लगेगा। तो 1.6 × 10⁻⁶ एंगस्ट्रॉम, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, एंगस्ट्रॉम ये इसका आंसर आ गया। अब क्या करना है, आंसर आ चुका है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप देखेंगे ऑप्शन ए में 1.6 × 10⁶ लिखा हुआ है, तो यह आंसर आपका सही है, ऑप्शन ए। क्लियर है यहाँ तक। इसी तरीके से जब भी कहीं प्रॉब्लम करे तो हर संख्या के गुणे में एक होता है, और एक लिखकर उस मात्रक को मीटर में आप बदल लीजिए, क्योंकि ये सारे मात्रक आपने मीटर में पढ़ा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन टू दिया हुआ है 1 मिनट में माइक्रो सेकेंड होते हैं, कितने माइक्रो सेकेंड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मिनट को सेकेंड में बदलेंगे, 1 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड। ठीक है, 60 सेकेंड, और हर सेकेंड में, एक सेकेंड में कितने मिनट होते हैं, माइक्रो सेकेंड होते हैं, एक सेकेंड में कितने माइक्रो सेकेंड होते हैं, तो 6। ठीक है, कितने होते हैं, 10⁶, तो 60 × हम लोग क्या लिखेंगे, 10⁶, और ये क्या हो गया, माइक्रो सेकेंड। ठीक है, अब माइक्रो सेकेंड है, आपने विज्ञान में नियम पढ़ा है कि हमेशा 0.1 अंक पर लगना चाहिए, यहाँ 60 लिखा हुआ, यानी 2 अंक पे 0.1 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6.0। तो 10⁶ क्या हो जाएगा, 6 और 1 7, जितने अंक 0.1 इधर जाता है, दाहिनी तरफ बाईं तरफ खिसकता है, उतना घात प्लस हो जाता है। तो ये क्या आंसर हो जाएगा, 6.0। ठीक है, 6.0 × 10⁶ = 7 हो जाएगा। तो कौन सा आंसर सही है, तो ऑप्शन आपका बी इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन बी। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, 1 जीवाणु का आकार 1 माइक्रॉन है, कितना है, 1 माइक्रॉन। जीवाणु का आकार कितना है, 1 माइक्रॉन है। ठीक है, 1 मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो 1 माइक्रॉन बराबर कितना होता है, 10⁻⁶ मीटर। अब पूछ क्या रहा है, 1 मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या, तो 1 मीटर से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो जीवाणुओं की संख्या n बराबर, जितनी भी जगह पे पूछेगा वो ऊपर आपका अंश में, और 1 का आकार जो है वो नीचे लिखेंगे, तो 10⁻⁶ मीटर हो जाएगा। ठीक है, मीटर आपका मीटर कैंसिल हो गया, 10⁻⁶ आपका नीचे से ऊपर जाएगा, यानी हर से अंश में जाएगा, तो घात का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो घात का चिन्ह क्या हो गया, -6 से +6। तो कौन सा आंसर आपका आ गया, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया, 10⁶,
यानी एक मीटर में जीवाणु की संख्या कितनी हो गई, 10^6। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हाइड्रोजन परमाणु, क्या है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 10^-6 नैनोसेकेंड, कितना 10^-6 नैनोसेकेंड में एक चक्कर लगाता है। एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 10^-6 नैनोसेकेंड। इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में चक्कर लगाता है, कितने चक्कर लगाता है ये पूछ रहा है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले समय आपका जो दिया हुआ है टी, ठीक है, एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा है, 10^-6 नैनो सेकेंड है, वो क्या है नैनो सेकेंड है। तो नैनो सेकेंड को हम लोग क्या बदल लेंगे, नैनो सेकेंड को हम लोग क्या कर लेते हैं, मीटर सेकेंड में बदल लेते हैं। तो 10^-6 नैनो सेकेंड ये हो गया, और नैनो सेकेंड को सेकेंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 10^ नैनो में क्या होता है 9, तो 10^-9 से गुणा कर लेंगे, कुल कितना हो गया 9 और 6 -15 हो गया, माइनस माइनस को जोड़ देते हैं, माइनस का चिन्ह है, तो 10^-15 सेकेंड, ठीक है, कितना हो गया 15 सेकेंड हो गया। ये आपका समय हो गया एक चक्कर लगाने में। तो एक सेकेंड में कितने चक्कर लगाएगा, 13 गुणा कर दीजिए, ठीक है, एक सेकेंड में कितने चक्कर लगेगा, तो एक सेकेंड में चक्करों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक सेकेंड में चक्करों की संख्या बराबर हो जाएगा 1/10 -15, कितना 10^-15, तो हर से अंश में जाएगा तो घात का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, तो 10^15 चक्कर आ जाएगा, ठीक है, कितने चक्कर आ गए, 10^15 एक सेकेंड में। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन सी इसका 10^15 चक्कर एक सेकेंड में इलेक्ट्रॉन लगाएगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, किसी तारे से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 5 वर्ष लगता है, कितना वर्ष लगता है 5 वर्ष, तारे की पृथ्वी से दूरी किलोमीटर में क्या होगी, ये आपको बताना है, तारे से पृथ्वी की दूरी बताना है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल यानी सी गुणे समय टी, चाल क्या होता है निर्वात में, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3×10^8 किमी, तो 3×10^8 किमी, कितने समय में प्रकाश चल रहा है 5 वर्ष में, तो 5 वर्ष, ये वर्ष है, वर्ष को हमें किस में बदल के रखना है, समय को सेकेंड में, तो वर्ष 5 वर्ष में कितने दिन होते हैं 365, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, और मिनट में कितने सेकेंड होते हैं 60, तो इस तरीके से हम इसको गुणा कर दें सभी का तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो गुणा कर देंगे तो इसका आंसर 3×5=15, 15×24 × 6×6=36 कर दें तो ये हो जाएगा 473, कितना 473 × 10^ आएगा, आपका यहाँ पे दशमलव लगेगा तो आएगा 10^14, ठीक है, गुणा करेंगे तो 473 आएगा और 10^14 आएगा। अब क्या करते हैं, दशमलव को एक स्थान तक लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 4.73×10^14 और 2 16 हो जाएगा, ठीक। अब ये 4.73×10^16 और ये आपका आंसर आया है मीटर में, क्योंकि प्रकाश की चाल जो रखते हैं 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड ये होता है, तो ये मीटर में था, ठीक है, तो मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे, 10^3 से भाग देना पड़ेगा, तो 4.73×10^16/10^3 तो कितना हो जाए 10^13, तो 4.73×10^13 कौन सा आंसर आया है, तो आप देख रहे हैं ऑप्शन बी इसका आंसर आया है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन सी 4.73×10^13 किलोमीटर, तो ये किलोमीटर में आंसर है।
चलिए यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। तो प्रश्न संख्या 6 क्या दिया हुआ है, 1 माइक्रोन में एंगस्ट्रॉम की संख्या होती है कितनी होती है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले 1 माइक्रोन में मीटर कितना होता है, 10^-6 मीटर होता है। ठीक है, हर संख्या में गुणे 1 होता है, तो यहाँ गुणे 1 मीटर है, तो 10^-6 को -6 लिखेंगे और गुणे 1 मीटर। 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं, 10^10 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना एंगस्ट्रॉम होता है, 10^10। ठीक है, अब क्या करना है, 10^-6 गुणे 10^10 को सरल करेंगे तो क्या जाएगा, 10^4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 10^4 एंगस्ट्रॉम। तो कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 6वें का, 10^4 एंगस्ट्रॉम। 1 माइक्रोन में एंगस्ट्रॉम की संख्या कितनी होगी, 10^4 एंगस्ट्रॉम होगी। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है, एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हल करने के लिए जब न समझ में आए, आंसर तो ये आपको याद है क्या होगा, तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंगस्ट्रॉम यूज करते हैं। ठीक है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य आप मापने के लिए कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा एंगस्ट्रॉम यूज किया जाता है। तो इसके आंसर को दूसरा तरीका है, जो आंसर आपको मालूम है कि इसका नहीं है उसको कैंसिल कर दीजिए। एंगस्ट्रॉम में लंबाई में मापी जाती है, आपने पढ़ा है, और यहाँ वेग लिखा है तो ये अपने आप गलत हो गया। प्रकाश का वेग है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, यहाँ एंगस्ट्रॉम लिखा है, केवल लंबाई में लिखा है, तो ये भी गलत हो गया। अब बचा इनमें से कोई नहीं, और प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, तो जो आपको ज़्यादा सुटेबल लगेगा वो लिखेंगे, नहीं तो एग्जैक्ट आंसर तो आपको पहले से ही पता है कि कौन सा तरंग दैर्ध्य को किस में नापते हैं, लंबाई में। तो एक आपके पास दूसरा तरीका ये है कि उनमें से जो आंसर एग्जैक्ट पता है कि वो नहीं होगा, उन विकल्प को आप कैंसिल करते जाइए, तो जो बचेगा वो आंसर भी आपका राइट होगा। बट ये आंसर आपको याद था पहले से, पीछे भी आपको बताया गया है कि लंबाई की छोटी राशियों को मापने के लिए एंगस्ट्रॉम का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को हम लोग एंगस्ट्रॉम में मेजरमेंट करते हैं, ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतम माप क्या होती है, वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतम सबसे कम हम माप क्या होती है, क्या ले सकते हैं, इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो ये आपको याद रखने वाला आंसर है, वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतम मान कितना होता है, 0.10 मिलीमीटर। ठीक है, 0.10 मिलीमीटर, यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक 0.10 मिलीमीटर होता है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए, 8वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 8वें का ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, केल्विन किस राशि का मात्रक है, केल्विन किस राशि का मात्रक है। तो केल्विन मात्रक किसका होता है, ऊष्मा का, कि ताप का, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, किसका होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ये गलत हो गया। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडिला, ये भी गलत हो गया। ऊष्मा का मात्रक जूल होता है, ये भी गलत हो गया। तो बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी ताप का। तो ताप के आपने 3 मात्रक पढ़े हुए हैं, फारेनहाइट पढ़ा हुआ है, केल्विन पढ़ा हुआ है, सेल्सियस पढ़ा हुआ है, और एक होता है र्यूमर, चौथा र्यूमर होता है। र्यूमर का इस्तेमाल कम होता है, लेकिन फारेनहाइट, केल्विन और सेल्सियस का ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आपको केल्विन का किस राशि का मात्रक है, ताप का।
क्लियर हो गया यहाँ तक? याद है तो आपको आंसर तुरंत निकल जाएगा, टाइम नहीं लगता है, इसलिए आपको इसमें से कुछ चीज़ों को याद भी रखना है, जो परिभाषाएं आपको बताई गई उनको याद रखना है। परिभाषाएं याद रहेंगी तो क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी मेथड पे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, लकड़ी की एक गुटकी की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 20 सेमी, 30 सेमी व 10 सेंटीमीटर है। एमकेएस प्रणाली में गुटकी का आयतन ज्ञात करना है। किसमें ज्ञात करना है? एमकेएस प्रणाली। एमकेएस प्रणाली मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड। लंबाई किसमें मेजरमेंट करना है? मीटर में। तो यहाँ सारी लंबाइयाँ मीटर में दी है, तो सबसे पहले आयतन का सूत्र क्या होता है? एल बी एच, लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े ऊंचाई। लंबाई आपका 20 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.20। यहाँ तक क्लियर है? चौड़ाई कितनी है? 30 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में है तो मीटर में क्या हो जाएगा? 0.30। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट, ऊंचाई कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.10। अब इसका गुणा कर दें तो गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 0.006, यानी इसको हम और ये आंसर आपका मीटर की घात 3 आएगा। तो अब इसको हम लोग घात को 0.1 अंक पर लगाएंगे तो 6.0 हो जाएगा, 6.0 गुणे 10^-3, ठीक है, मीटर। तो आप देखिए कौन सा आंसर आपका मिल रहा है, तो दसवें का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए आया है, 6^-3 मीटर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। इसी तरीके से आप जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, एक घन की भुजा 1.2 सेंटीमीटर मापी गई। एक घन की भुजा कितनी नापी गई? 1.2 सेंटीमीटर नापी गई है, ठीक है। तो घन का आयतन, सेमी नापी गई है, घन का आयतन शुद्ध सार्थक अंकों में बताइए। किसमें बताना है? शुद्ध सार्थक अंकों में बताना है। तो आयतन का सूत्र, घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा की घात 3। आयतन बराबर क्या हो गया? भुजा की घात 3, ठीक है। तो भुजा कितना दिया हुआ? 1.2, घात 3 कर देते हैं। गुणा करेंगे तो 12 में 144 और 144 में 12 का गुणा 1728 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1728। गुणनफल याद है तो आप तुरंत लिख देंगे, 12 में 144, 144 गुणे 12 बराबर 1728, यानी 12 का घन आपको याद है तो लिख देंगे, और 3 अंक के दशमलव लग जाएगा, 0.3। तो कितना हो गया? 1.728। ये इसका आयतन हो गया, किसमें? सेंटीमीटर में, ठीक है। तो घन सेमी हो गया, घन सेमी। बट हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा क्या है? शुद्ध सार्थक अंकों में उत्तर बताइए। तो शुद्ध सार्थक अंकों में सार्थक अंक का नियम लगाएंगे, तो सार्थक अंक के नियम में हमने गुणा का नियम क्या है? दशमलव के बाद के अंकों में न्यूनतम अंक देखते हैं। तो दशमलव के बाद न्यूनतम अंक इसमें कितने हैं? प्रश्न में 1 अंक, और उत्तर में कितने अंक आया? 3 अंक। तो इस 3 अंक को हम लोग क्या करेंगे? दशमलव के बाद 1 अंक में परिवर्तित करेंगे। तो जब 1 अंक में परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये परिवर्तित होगा और ये आपका बदल जाएगा 1.7, क्योंकि 8 मेरा 5 से बड़ा है, इसको हटाएंगे तो इसके पहले वाले में 1 जोड़ेंगे, 2 × 1 = 3 हो जाएगा, 3 छोटा है तो हटेगा केवल, जोड़ेगा नहीं। तो क्या हो गया? 1.7 सेमी की घात 3, यानी घन सेमी। क्लियर है? तो ये आंसर हो गया उचित सार्थक अंकों में। आयतन तो आपका 1.728 आया है, लेकिन उचित सार्थक अंकों में क्या आएगा? तो उचित सार्थक अंकों के लिए नियम क्या है? प्रश्न में जिन संख्याओं का गुणा करते हैं उन संख्याओं में सबसे कम सार्थक अंक किसमें है? तो सबसे कम सार्थक अंक आपका दशमलव के बाद आपका संख्या में, यहाँ एक ही संख्या है तो दशमलव के बाद 1 अंक है, तो उत्तर में भी हमें दशमलव के बाद 1 अंक सार्थक अंक चाहिए। तो कौन सा आंसर सही है? 1.7। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है।
तो ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो। ध्यान दीजिएगा, जब भी उचित सार्थक अंकों में पीछेगा तो गुणा और भाग के नियम, जोड़ और घटाना का नियम जो भी है उसको आप याद रखेंगे, वही लगाना है। तो इसके बारे में आपको पहले से ही जानकारी दी गई है, इसके पहले की वीडियोस में सार्थक अंकों के बारे में ज्ञात करने का नियम बताया गया है, वहाँ से आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि 0.06050 में सार्थक अंकों की संख्या है, कितनी संख्या है ये आपको बताना है, सार्थक अंकों की संख्या बताना है। तो ऐसे प्रश्न को हल करना आपको पहले से ही बताया गया है। सार्थक अंक का नियम याद करना है, सार्थक अंक का नियम आपको याद है, क्या है सार्थक अंक का नियम, कि दशमलव से पहले कितने अंक हैं, शून्य अंक और अशून्य अंक। तो दशमलव पहला अशून्य अंक आपका है कौन सा, छः, पहला शून्य अंक कौन सा है, छः। तो पहले अशून्य अंक के पहले के सारे शून्य क्या होते हैं, सार्थक अंक में नहीं गिने जाते हैं। बाद के शून्य सार्थक अंक में गिने जाते हैं, बीच के गिने जाते हैं। तो कुल कितने सार्थक अंक हैं, छः हो गया, जीरो हो गया, पाँच हो गया और ये जीरो। तो इस तरीके से कुल कितने सार्थक अंक होंगे, चार। कितने सार्थक अंक हुए, चार। तो चौथा आपका इसका आंसर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। कैसे, तो आप यहाँ पर देख लीजिए कैसे काउंट किया है आपने। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है पहला अशून्य अंक आपका छः हो गया, दूसरा जीरो, तीसरा पाँच, चौथा जीरो। पहले के अशून्य अंकों को हम छोड़ देंगे, तो पहले के दो शून्य छूट जाएंगे, तो आपका एक दो तीन चार, चार हुआ, ये आपका इसका आंसर हो गया। केवल नियम पर है, अगर आपको आता है तो बहुत ही जल्दी इसका आंसर लिख लेंगे देख कर केवल। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है। एक विद्यार्थी क्या है, एक विद्यार्थी है मीटर पैमाने से किसी डोरी की लंबाई 75.5 सेंटीमीटर नापता है। कितना नापता है, डोरी की लंबाई 75.5 सेंटीमीटर। तथा दूसरा विद्यार्थी स्क्रू गेज से तार का व्यास मापता है, कितना मापता है, 0.755 सेंटीमीटर नापता है। तब यथार्थ होगी, कौन सी माप यथार्थ होगी, यानी एकदम शुद्ध होगा। आप देख रहे हैं ये प्रश्न आपका एग्जाम में इस तरीके के पूछे हुए हैं, यथार्थता से संबंधित प्रश्न। तो इसके लिए आपको करना क्या है, उस यंत्र की अल्पत मांग को देखना है। तो मीटर पैमाने से मापा गया, तो मीटर पैमाने में सेंटीमीटर के बाद दशमलव के एक अंक तक, कितने अंक तक माप सकते हैं, एक अंक। तो आंसर में दशमलव के बाद एक अंक लिखा है, यानी ये यथार्थ है। दूसरा आपका उत्तर जो है वो आपका स्क्रू गेज से मापा गया है, स्क्रू गेज से सेंटीमीटर में दशमलव के बाद तीन स्थानों तक मापा जा सकता है, अल्पत मांग में तीन स्थानों तक मापा जा सकता है सेंटीमीटर में, और वर्नियर से दशमलव के दो स्थानों तक सेंटीमीटर में। तो कितने स्थान, इसका अल्पत मांग भी आपका सही है, इसका भी अल्पत मांग भी सही है, दोनों यथार्थ हैं, दोनों यथार्थ हैं। तो कौन सा उत्तर सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, तब यथार्थ होगा, ऑप्शन ई समान, दोनों यथार्थ यानी दोनों क्या है, आपस में समान है। ठीक है, तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कि आपके क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो 14वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, सुग्राही संयंत्र से मापन करने पर शुद्धता बढ़ जाती है क्योंकि इसकी, सुग्राही संयंत्र से मापन करने पर शुद्धता बढ़ जाती है, क्यों बढ़ जाती है, उसका कारण क्योंकि इसकी अच्छी फिनिश है, इसका सार्थक अंक अधिक होता है, इसकी आंशिक त्रुटि समाप्त कर ली जाती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या आंसर होगा, जल्दी जल्दी बताइए, इसका सार्थक अंक अधिक होता है, क्या होता है, इसका सार्थक अंक अधिक होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, इसका सार्थक अंक अधिक है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, याद कर लीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिछट त्रुटि क्या होती है, पिछट त्रुटि
क्या होती है, क्यों होती है पिच्छत त्रुटि, किसी भी यंत्र में पिच्छत त्रुटि क्यों होती है? तो पेच की ढिबरी में ढीला हो जाना, पेच की ढिबरी का ढीला हो जाना जिससे हम किसी भी यंत्र को कसते हैं, चाहे वो स्क्रू गेज हो चाहे पेच मापी हो, कसते समय जो जिस यंत्र से को कसते हैं और जिसके से कसते हैं वो ढीला हो जाता है पुराना होने के कारण, तो उसके कारण पिच्छत त्रुटि होती है। इसको आप याद कर लीजिए, ढिबरी का ढीला हो जाना इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोले की त्रिज्या में, गोले की त्रिज्या की मापन में त्रुटि 1% है, तो इसके आयतन में की गणना में त्रुटि होगी, ठीक है, आयतन की गणना में त्रुटि होगी, कौन सी त्रुटि होगी ये बताना है, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल सा सूत्र, आयतन का सूत्र तो आपको याद ही होगा, आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो जब भी प्रतिशत त्रुटि निकालना हो तो आप बस ये ध्यान दीजिए कि किस संख्याओं का गुणा है, तो आपका यहाँ पर गुणा किसका है, तो 4 की घाते 3 है, सॉरी आर की घाते 3 है, तो यहाँ पर प्रतिशत त्रुटि जब भी निकालेंगे तो प्रतिशत त्रुटि 3, घात में 3 है तो 3 गुणे में क्या हो जाएगा प्रतिशत मान, ठीक है। प्रतिशत मान कितना दिया हुआ है, लंबाई में त्रुटि कितना है 1%, तो आयतन में त्रुटि हो जाएगी 1 × 3 बराबर 3%, 3%। बस इतना सा आपको फार्मूला याद रखना है, लंबाई में त्रुटि 1% है तो आयतन के लिए 3 बार गुणा करते हैं तो 3 × 1% 3% इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जब भी प्रतिशत त्रुटि आपका पूछे, लंबाई में दिया है, आयतन का निकालना है तो लंबाई का 3 बार गुणा करने पर आयतन मिलता है, ठीक है। तो लंबाई 3 × लंबाई में त्रुटि आप रख देंगे तो आपका आयतन में प्रतिशत त्रुटि मिल जाएगा, ये आपका आंसर 3%, इस तरीके से हो जाएगा। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन रहे प्रतिशत त्रुटि के लिए तो आप यही तरीका अप्लाई करेंगे। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है, 0.310 × 10³ में, 0.310 × 10³ में सार्थक अंकों की संख्या क्या है, सार्थक अंकों की संख्या क्या है ये बताना है। तो ऐसे प्रश्नों में 10³ से कोई मतलब नहीं है सार्थक अंक के लिए, पहला नियम यही आपने पढ़ा था सार्थक अंक की परिभाषा में कि 10³ में अगर लिखा हो तो 10³ से कोई मतलब नहीं है। दूसरा नियम यहाँ लगाएंगे 0.310, तो दस अशून्य अंक के पहले के शून्य को नहीं लिया जाता, अशून्य के पहले के शून्यों को नहीं लिया जाता, अशून्य के बाद के शून्य को लिया जाता है, काउंट किया जाता है सार्थक अंकों में, तो कितना हो गया 3, 1, 0, कितने सार्थक अंक हो जाएंगे 3, कितने सार्थक अंक हो गए 3, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। समझ में आ गया तक, बस सार्थक अंक की परिभाषा याद है, आपका आंसर आ चुका बिना कुछ किए, बस आपको गिनना है 3, 1, 0, पहले 3 के पहले के जीरो को नहीं लेंगे, 1 के बाद के जीरो को सार्थक अंकों में गिनेंगे, तो इस तरीके से कुल कितने हो गए 3, 1, 0 में 3 सार्थक अंक है, तो ये आपका 3 अंक हो गया, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है, कार्य का CGS मात्रक क्या होता है, कार्य का CGS मात्रक क्या होता है आपको ये बताना है, ठीक है। CGS मात्रक वो भी किसका, कार्य का, तो कार्य का CGS मात्रक के लिए सबसे पहला आपको आंसर सीधे याद है तो आंसर आप टिक करेंगे ऑप्शन डी अर्घ इसका आंसर होता है, ठीक है, आंसर डी इसका अर्घ होगा, कार्य का मात्रक अर्घ होता है, जूल भी होता है, तो पहले तो आपको याद है उसके आधार पर लिख लेंगे। अब बात करते हैं न्यूटन किसका मात्रक है, न्यूटन बल का है तो ये सीधे कट जाएगा, डाइन किसका मात्रक है, बल का है ये भी कट जाएगा, बचा जूल, जूल भी आपका कार्य का मात्रक है और अर्घ भी आपका कार्य का मात्रक है, लेकिन जूल आपका MKS पद्धति में है और अर्घ आपका CGS पद्धति में है, आपसे पूछा किससे है, MKS में या CGS में, CGS में, तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन डी, तो आप याद रखेंगे तुरंत आंसर आ जाएगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो 18 कार्य का CGS पद्धति मात्रक क्या हो गया, अर्घ, और MKS पद्धति में जूल होता है,
ठीक है, एमकेएस पद्धति में क्या होता है, जूल। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 19, बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है। बल का सीजीएस, ठीक है, तो बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन। बल का सीजीएस पद्धति मात्रक क्या होता है, डाइन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, इसी तरीके से आप पिछले क्वेश्चंस की तरह चाहे जो आप अगर आंसर आपको नहीं लर्न है तो किस तरीके से करेंगे, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक, ये पहले कट गया तो एक आंसर इसमें काट पाएंगे। न्यूटन अगर आपको मालूम होगा तो न्यूटन एमकेएस पद्धति में बल का ही मात्रक है, बट आपसे पूछा सीजीएस तो ये कट गया। अब दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज़ करना, तो जो जो आपको ज़्यादा बेटर लगे वो चूज़ करिए। बट याद है तो आपने देखिए कितना पहले ही आपने आंसर लगा चुका है, बिना सोचे, सोचने वाले में आपका समय ज़्यादा व्यतीत होगा। तो समय आपको बिना बर्बाद किए आंसर, आपको कुछ आंसर से याद रहने चाहिए, डिफिनीशन से याद रहेगा, तो आप आसानी से इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो बल का मात्रक क्या होता है सीजीएस पद्धति में, डाइन, और एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा, ऑप्शन सी आ गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैद्युत विभव का एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है। तो वैद्युत विभव का एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। आप याद रखिए और टिक कर दीजिए, आंसर आ गया, हो गया। दो सेकेंड में आपको लगेंगे क्वेश्चन सॉल्व अगर याद है तो। तो इस तरीके से इस चैप्टर के भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। आपको डेफिनेशन याद रखना है जिससे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कम से कम समय लगे। फिर हम लोग एक नए वीडियो में एक नए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपके पास तक आसानी से पहुंच जाए। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।